और ये स्टीम निकल रही, आप देख रहे हैं ये स्टीम निकल गई, तो ये डेंजर कंडीशन है। ये देखिए एकदम प्रेशराइज स्टीम इसमें से निकल रही है, तो प्रेशराइज स्टीम निकल रही तो ये डेंजर कंडीशन है। नमस्ते फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आपको बताऊंगा गैस गीजर में आने वाले प्रॉब्लम और उसका सोल्यूशन। तो ये गैस गीजर वीगार्ड कंपनी का सेफ 4+ मॉडल है और अभी अभी इसका एक महीना हो गया, वारंटी ख़त्म हो गई और ये अभी ये काम नहीं कर रहा, मतलब चालू नहीं हो रहा। तो उस कंडीशन में क्या करना चाहिए, यदि फ्रेंड्स इसमें जो प्रॉब्लम आया है कि ये चालू नहीं हो रहा, तो यदि गर्म पानी इसमें आ नहीं रहा, तो यदि मैं कंपनी कस्टमर केयर को फ़ोन करके सर्विस इंजीनियर को बुलाता हूँ तो उसके मिनिमम 400 रुपये चार्जेस है और स्पेयर पार्ट के चार्जेस अलग रहेंगे, तो ये खुद ही घर में रिपेयर कर पाएंगे। तो इस वीडियो का पूरा देखिए। फ्रेंड्स अभी क्या गैस गीजर चालू करने के लिए मैं ये पानी का वाल्व चालू कर देता हूँ। देखिए पानी का वाल्व चालू कर दिया, पानी का वाल्व चालू करने के बाद ये जो ऑन ऑफ स्विच है, ये ऑन ऑफ स्विच को मैं चालू कर देता हूँ। तो ये इंडिकेशन है, इंडिकेशन चालू हो गया, मतलब ये गैस फ्लेम चालू हो गई। तो ये चालू हो गया, ये गर्म पानी आ रहा, पर अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ ये जो वाटर इनलेट रहता है, यहाँ पर एक मैग्नेटिक स्विच रहती है, छोटी सी मैग्नेटिक, उसको मैग्नेटिक स्विच बोलते हैं, माइक्रो स्विच बोलते हैं, फ्लो स्विच बोलते हैं, वाटर फ्लो स्विच। तो यदि मैं पानी का वाल्व बंद कर देता हूँ तो इसे कट ऑफ करना चाहिए। तो देखिए मैं इसका ये पानी का जो वाल है, अब ये देख रहे प्रेशर, तो पानी का वाल को मैं बंद कर देता हूँ। देखिए वाल बंद कर दिया, पानी बंद हो गया पर गैस गीजर बंद नहीं हुआ, तो इसके कारण देखिए अभी इस तरह की कंडीशन आ रही है। और इसमें से देखिए और ये स्टीम निकल रही, अब देख रहे हैं ये स्टीम निकल गई, तो ये डेंजर कंडीशन है। ये देखिए एकदम प्रेशराइज स्टीम इसमें से निकल रही है, तो प्रेशराइज स्टीम निकल रही तो ये डेंजर कंडीशन है। तो इस कंडीशन में हमारा गैस गीजर अभी बंद हो गया। तो बंद होने का रीज़न है कि ये जो आउटलेट वाटर रहता है, आउटलेट वाटर के यहाँ पे थर्मास्टेट रहता है, जो टेम्परेचर सेंसर रहता है, वो उसको बंद कर देता है। देखिए फ्रेंड्स यदि आपके गैस गीजर के आउटलेट वाटर में, मतलब हॉट वाटर से यदि स्टीम आती है, तो वो बहुत डेंजर कंडीशन है, स्टीम कभी आना नहीं चाहिए। तो स्टीम क्यों आती है, जो फ्लोट वॉल है इसमें से ड्राई रन होता है, पानी का फ्लो बंद हो जाता है और इग्निशन कंटिन्यू चालू रहती है, उस कंडीशन में ये बहुत ज़्यादा हीट होकर स्टीम निकलती है। तो क्या होता है कि जो इनलेट वाला वाटर है इसमें एक मैग्नेटिक स्विच रहती है जो कि ऑन ऑफ करता है सिस्टम को, इग्निशन को। तो ये क्या हो गया, ये फ्लोट बराबर काम नहीं कर रहा, इसके कारण ये जो सिस्टम है ये ऑन ही रहता है, ये ऑफ नहीं होता, मतलब मैग्नेटिक स्विच ऑपरेट नहीं हो रही, इसके कारण इसमें जो इग्निशन है वो इग्निशन कंटिन्यूस चालू रहता है और पानी बहुत ज़्यादा गर्म हो के फिर इसमें जो थर्मास्टेट है, थर्मास्टेट को ज़्यादा हीट प्रोटेक्शन के लिए लगाया है तो उसे कट कर देता है, मतलब ज़्यादा गर्म पानी इससे यदि पास होता है तो उसको कट कर देता है। तो ये ज़रूरी है। अभी आप देखेंगे कि ऑन कंडीशन में है, देखिए ये कंडीशन इसकी ऑन है और मैं इसको अभी चालू करता हूँ पानी, ये स्विच को ऑन रखा है और मैं ये पानी का वाल्व चालू कर देता हूँ। देखिए पानी को मैंने वाल्व चालू कर दिया, पानी का वाल्व चालू कर दिया, तो देखिए इसमें से पानी आ रहा, पानी का वाल्व चालू कर देने से इसमें से पानी आ रहा, पर हमारा ये इग्निशन शुरू नहीं हुआ। देखिए फ्रेंड्स ये पानी चालू है, अभी आप मेरे को पूरी प्रोसेस बता देता हूँ। ये पानी चालू है, ठंडा पानी आ रहा, ठंडा पानी जा रहा, ठंडा पानी आ रहा, पर ये चालू नहीं हुआ, जबकि इसके स्विच ऑन है, गैस भी ऑन है, पूरा ऑन है। ये क्यों चालू नहीं हुआ, क्योंकि इसमें जो हीट प्रोटेक्टर लगा था उसके कारण कट हो गया, इसलिए डायरेक्ट चालू नहीं हुआ। यदि मैं स्विच को ऑफ करता हूँ, मतलब ये रिसेट हो गया और फिर मैं इसको चालू करूँगा तो ये चालू हो जाएगा। देखिए इसको मैं चालू करता हूँ, देखिए ये चालू हो गया, पानी तो कंटिन्यू चालू ही था, ठीक है, पानी तो कंटिन्यू चालू ही था, पर ये रिसेट करने के बाद चालू हो गया। तो इससे हम ये आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि इसमें जो फ्लोट है वो काम नहीं कर रहा। तो रिपेयरिंग कैसे करेंगे, तो प्रॉब्लम है इस पार्ट में, वाटर इनलेट के पार्ट में है, तो इसको कैसे रिपेयर करेंगे, पहले गैस को ऑफ कर देते, पानी को भी ऑफ कर देते, दोनों को ऑफ कर दिया और मैं रेगुलेटर को भी बंद कर देता हूँ, मतलब गैस को भी बंद कर देता हूँ, उसके बाद में इसको खोलेंगे, हम ये वाले पाइप को खोलेंगे और इसको रिपेयर करेंगे। खोलने के लिए ये एडजस्टेबल स्पैनर है, मल्टीपर्पज काम में आता है ये, तो ये एडजस्टेबल स्पैनर से इसको हम खोलेंगे। इसको खोलते समय ये बड़ा सेंसिटिव रहता है, नाजुक रहता है, तो एक हाथ से इसको पकड़ेंगे और इसको ऐसा घुमाएंगे, देखिए इसके अंदर एक वॉशर है, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये मैंने इसको खोल दिया,
ये मेरा पाइप लीक नहीं होता कभी, क्योंकि मैं इसके अंदर ये ऐसे इस तरह के वॉशर लगा देता हूँ। देखिए इसे वॉशर लगाने से इसके दोनों के बीच में कभी लीकेज नहीं होगा, मतलब पानी नहीं जाए। फ्रेंड्स हमने क्या किया कि ये जो इनकमिंग वाला है मतलब वाटर इनलेट का पाइप को मैंने खोल दिया, और खोलने के बाद ये स्क्रू ड्राइवर है इतनी थोड़ी लंबा चाहिए, उसके अंदर डालना है। इसमें एक छोटा सा मैग्नेट रहता है जो ट्रैवल करता है ऊपर नीचे, तो ये यहाँ लटक जाता है, तो इसको निकालना पड़ता है। देखिए फ्रेंड्स ये जो पाइप था इसके अंदर एक छोटा सा मैग्नेट रहता है, मैं इसको खोल के भी आपको दिखा दूंगा। तो मैग्नेट ऊपर लटक गया था, ये क्या इसमें स्लजिंग वगैरह होता, थोड़ा सा रस्टिंग वगैरह होता, उसके कारण वो मैग्नेट थोड़ा सा ट्रैवल करते समय कभी कभी, यदि ये इनलेट पाइप में फिल्टर नहीं लगा है, इसमें जाली वगैरह नहीं लगी है, तो जाली नहीं लगने के कारण इसमें कचरा वगैरह चले जाता है और वो लटक जाता है ऊपर। तो मैंने क्या किया इसको थोड़ा सा, जो मेरा स्क्रू ड्राइवर है स्क्रू ड्राइवर से मैंने इसको ट्रैवल किया तो चालू हो गया वो। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ, अभी ये गैस को मैंने, गैस का रेगुलेटर से मैंने ऑन कर दिया गैस को, ये हॉट वाटर है और इनलेट में मैंने कुछ भी नहीं लगाया, इसको मैं चालू करता हूँ। देखिए फ्रेंड्स अभी गैस गीजर चालू नहीं हो रहा क्योंकि इसको कमांड गई नहीं है, मतलब चालू होने की कमांड गई नहीं है। तो मैं स्क्रू ड्राइवर डालता हूँ, स्क्रू ड्राइवर डालने से क्या होगा, ये मैग्नेट ऊपर चले जाएगा और इसको कमांड देगा कि वाटर इसके अंदर आया है, तो उसको जस्ट टेस्ट करना है। तो ये सिंपल स्क्रू ड्राइवर है, मैं स्क्रू ड्राइवर से ये फ्लोट को ऊपर करता हूँ। देखिए यह फ्लोट है, फ्लोट को ऊपर करता हूँ, देखिए तो गैस गीजर चालू हो गया। देखिए इसको मैं ऊपर करता हूँ, गैस गीजर को ऑन रखा है, तो ये ऑपरेट कैसे होता है, ये ऐसे इसको करता हूँ ऑन और ये नीचे करता हूँ तो ऑफ हो जाता है। अब समझ लीजिए ये फ्लोट को मैं जैसे ऊपर करता हूँ तो ऑन हो गया और ये नीचे करता हूँ तो ऑफ हो गया, तो ये इसी फ्लोट पे काम करता है। तो ये मैंने जो स्क्रू ड्राइवर डाला है इसी का काम ये पाइप करता है, पाइप में ये जो पाइप का प्रेशर है, पानी का प्रेशर है, उसी से हो जाता है। और आप देखेंगे ये सेफ फ्लो प्लस 6 लीटर वाला जो मॉडल है वीगार्ड का, ये अल्ट्रा लो प्रेशर में काम करता है, मतलब आपके 1 मंजिल बिल्डिंग है तब भी काम करेगा, 2 मंजिल 4 मंजिल बिल्डिंग है उसी समय भी काम करेगा, तो ये बहुत बढ़िया है। आप अमेजोन और फ्लिपकार्ट से आप परचेस कर सकते हैं, उसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ये ज़बरदस्त है। तो मैं इसको फिक्स करके फिर एक बार ट्रायल करके दिखा देता हूँ, फाइनल ट्रायल। टेफ्लॉन टेप है, टेफ्लॉन टेप ये वाइट कलर की है, जैसे कि मैंने पहले जो लगाया था वो येलो कलर की थी, तो येलो कलर वाली हॉट वाटर के लिए अच्छी रहती है, और ये जो नॉर्मल वाली है ये वाइट कलर की रहती है, ये सभी काम में चल जाती है। तो जब भी आप खोलते हैं तो उसको टेफ्लॉन टेप लगाना ज़रूरी है। फ्रेंड्स ये प्रॉब्लम आने का कारण, मतलब यहाँ पे एक फिल्टर मेश रहती है, एक जाली रहती है, वो जाली नहीं होने के कारण उसके अंदर कचरा चले जाता है, तो जाली रहना बहुत ज़रूरी है और वो फ्लोट काम नहीं करता। ये ब्रास के रहते हैं तो इसको टाइट करते समय ये ध्यान देना है कि ये टूट ना जाए, बहुत ज़्यादा ताकत नहीं लगाना है, प्रॉपर टेफ्लॉन टेप लगाने से हो जाएगा ये। देखिए फ्रेंड्स ये टाइट हो गया, ये आउटलेट में ज़्यादा टेप लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आउटलेट पाइप हमारा खुला है। तो चलो हम टेस्ट करके इसको दिखा देते, जैसे कि आप देख रहे ये ऑन कंडीशन में है, तो मैं इसका वाटर फ्लो चालू कर देता हूँ। फ्रेंड्स मैं जैसे इस वॉल को चालू कर देता हूँ तो देखिए फ्लो यहाँ से चले गया, ये देखो चालू हो गया, थोड़ी देर बाद वो इंडिकेशन बंद हो जाता है और ये चालू हो गया, तो इसमें गर्म पानी आना चालू हो गया, गर्म पानी इसमें आ रहा है। और जैसे मैं इसको बंद कर दे रहा हूँ, ये हॉट वाटर है और इसको मैं बंद कर देता हूँ, तो देखिए ये बंद हो गया, गैस गीजर बंद हो गया और इसमें पानी भी नहीं आ रहा है, मतलब और आप थोड़ी देर देखेंगे तो स्टीम भी नहीं निकल रही, तो स्टीम इसलिए निकल रही थी क्योंकि पानी बंद हो गया था और जितना इसके पाइप के अंदर पानी था वो गर्म हो गया था, तो हॉट वाटर से इसके अंदर ओवर हीट होने के कारण स्टीम आ रही थी। और ज़्यादा टेम्परेचर जब बढ़ जाता है तो इसमें जो लगा टेम्परेचर सेंसर है उसको कट कर देता है। फ्रेंड्स आज के वीडियो में हमने देखा कि यदि ये बहुत ज़्यादा गर्म पानी देता है या इसके अंदर जो फ्लोट है वो अटक जाता है तो उसको कैसे रिपेयर करना, ये प्रॉब्लम कब आती है, यदि आपकी बैटरी बराबर है, गैस बराबर है, रेगुलेटर सब चीज़ बराबर है, फिर भी ये गर्म नहीं होता। और कभी कभी क्या होता है, जब हम बाथरूम में आते हैं और चालू करते हैं, चालू होता है पर थोड़ी देर बाद बंद हो जाता है, दो बार चालू करने के बाद चालू हो जाता है, तो इस कंडीशन में मतलब चालू करने के बाद तुरंत चालू नहीं होता, 2-4 बार चालू करना पड़ता है, उस कंडीशन में ये फ्लोट का काम करता है। दूसरा कंडीशन ऐसा है कि आपकी ज़्यादा मंजिली बिल्डिंग है उस कंडीशन में भी ये बराबर ऑपरेट नहीं करता, तो ये फ्लोट का प्रॉब्लम आता है। बहुत सिंपल है, किसी टेक्नीशियन को बुलाने की ज़रूरत नहीं है, आपको
आप घर में खुद ही से कर पाएंगे, इसमें ज़्यादा झंझट वाला काम नहीं है। तो मैं अलग अलग वीडियो बनाकर आपको दिखाऊंगा कि इसमें आने वाले प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना। तो ऐसे ही वीडियो आपको देखना है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।